ये है बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 125। ये जो बाइक है ना, स्पीड सीट वाला यहाँ पे वेरिएंट खड़ा हुआ है। और बता दें ये कार्बन फाइबर वाला बॉडी है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूल टैंक। साथ में बता दें ये पहले जो थी ना, इसमें आपको फ्यूल टी वगैरह आता था, लेकिन यहाँ पे आपको फ्यूल टी वगैरह अब नहीं मिलेगा। टोटली ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ आने लगी है। इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। और बता दें यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्लिट सीट वाला यहाँ पे मॉडल खड़ा हुआ है। बता दें यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल में आते हैं इसके, तो यहाँ पे आपको वाइजर वगैरह सेम मिल जाते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर वगैरह भी आपको हाइलोजन में मिल जाते हैं। इंडिकेटर में अभी कोई चेंजेस नहीं है। बाकी बता दें इंडिकेटर जो है आपको फ्लेक्सिबल वाले इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाते हैं। बात करें यहाँ पे मेन लाइट की ना, तो आपको टोटल हाइलोजन सेटअप के साथ यहाँ पे मेन लाइट मिल जाती है। यहाँ पे अभी आपको DRL वगैरह कुछ नहीं मिलता है। यहाँ साइड में देखें ना, तो आपको दो पायलट टाइप लाइट मिल जाती है हाइलोजन में। वहीं पे यहाँ मडगार्ड की बात करें ना, तो आपको कार्बन फाइबर वाला यहाँ पे आपको मडगार्ड मिल जाता है। साथ में बता दें ये जो सॉकअप है, आपको टेलीस्कोपिक वाले यहाँ पे सस्पेंशन मिल जाते हैं नाइट्रोक्स के, ये बजाज कंपनी के हैं। वहीं पे यहाँ देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है। ये जो बाइक है ना, टोटल यहाँ पे रेड वाले स्टिकर इसमें यूज किए गए हैं। इसके दो और वेरियंट आते हैं, लेकिन हमारे सामने अभी ये रेड वाला है। वहीं पे देखिए इसका जो डिस्क है ना, डिस्क 2023 में चेंज कर दिया गया था। इसका 240mm का डिस्क आता है। वहीं पे रिफ्लेक्टर देख सकते हो। बता दें ये जो एलॉय है ना, आपको 17 इंच का यहाँ पे एलॉय मिल जाता है। यहीं पे देखे ना, तो ये ट्यूबलेस का सपोर्ट मिल जाता है इस बाइक में। 80/17 का यहाँ पे आपको टायर साइज मिलने वाला है। बता दें एलॉय जो है ना, एलॉय 2023 में इसका चेंज कर दिया गया था, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बात करें एलॉय में ना, तो यहाँ पे आपको एलॉय में रेड कलर की टेपिंग मिल जाती है, जो काफी सही लगती है। वहीं भी बता दें यहाँ पे जो सिंगल हॉर्न का सपोर्ट मिल जाता है। लेग गार्ड वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। 165mm का यहाँ नीचे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इस बाइक में। वहीं भी बता दें इंजन गार्ड भी आपको कार्बन फाइबर वाला यहाँ पे इंजन गार्ड मिल जाता है। और ये जो इंजन है ना, 125cc का सबसे बेस्ट वाला इंजन है। इसमें जो है आपको काफी रिलायबल इंजन मिल जाता है, वाइब्रेशन वगैरह भी कम आते हैं, पिकअप वगैरह आपको काफी सही मिल जाता है। इसमें आपको 5 गियर का सपोर्ट मिल जाता है, और ये पहले डुअल प्लग के साथ आती थी, लेकिन अब ये सिंगल प्लग के साथ कर दिया गया है। वहीं पे पहले यहाँ पे फ्यूल टी वगैरह आता था, अब हटा दिया है। यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्शन वाला पूरा सिस्टम आने लगा है। बता दें ये जो है ना, आपको गियर लीवर वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, एक गियर आगे बाकी 4 पीछे लगते हैं। वहीं पे यहाँ देखे साइड स्टैंड में आपको कट ऑफ सेंसर वाला यहाँ पे साइड स्टैंड मिल जाता है। अब आते हैं इसके मीटर की तरफ, तो मीटर देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे मीटर देखे ना, तो आपको फुल्ली डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों मीटर इसमें मिल जाते हैं। वहीं पे यहाँ पे आपको चेक इंजन लाइट न्यूट्रल हाई बीम लो बीम इंडिकेटर मिल जाते हैं। यहाँ से आपको बटन से ट्रिप वगैरह एडजस्टमेंट हो जाती है। यहाँ पे आपको RPM लाइट मिलने वाली है। वहीं बता दें इस बाइक में आपको बैक लाइट का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बटन्स में ना आपको बैक लाइट का सपोर्ट मिलेगा, नाइट में आपको काफी अच्छा विजन मिल जाता है। वहीं पे यहाँ नीचे की तरफ आए तो फ्यूल कैप देख सकते हो, ब्लैक कलर में आपको टोटल फ्यूल कैप मिलने वाली है। E20 पेट्रोल का सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखे जो टैंक कॉल वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा फाइबर मटेरियल में मिल जाते हैं। वहीं पे यहाँ पे आपको पल्सर का 3D में लोगो आउटलाइन वगैरह ब्लैक कलर में मिलने वाली है। बता दें ये जो बाइक है ना, आपको फ्यूल टैंक में देख सकते हो यहाँ पे कार्बन फाइबर वाला मटेरियल यूज किया गया है। और यहाँ पे देखे तो टैंक गार्ड देख सकते हो, 11.5 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक मिल जाता है। वहीं बता दें ये जो सीट है ना, आपको काफी कंफर्टेबल सीट इसमें मिलने वाली है, और ये स्प्लिट सीट वाला मॉडल खड़ा हुआ है। यहाँ आपको जो साइड पैनल है टोटल मैट फिनिश में मिलने वाले हैं। और यहीं से देखें ना, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम बॉडी यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ देख सकते हो फुटरेस्ट, और यहाँ देखे तो लेडीज फुटरेस्ट प्लस लेडीज गार्ड दोनों चीज इसमें मिल जाते हैं। नाइट्रोक्स के यहाँ पे सॉकअप मिल जाते हैं एडजस्टेबल वाले, काफी सही सस्पेंशन इसका रहता है। वहीं पे यहाँ पे चैन कवर की बात करें ना, तो इसमें आपको स्टील का चैन कवर मिल जाता है। वहीं पे इसके रियर व्यू की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए साइड पैनल्स वगैरह यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर वाले मिल जाते हैं। यहाँ पे 125cc की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आप स्टिकर वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। बात करें ग्रैब रिल की ना, तो आपको मैट फिनिश में ग्रैब रिल मिल जाती है ब्लैक कलर में। और इसके इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देखे ना, जो बैक वाली लाइट है टेन लाइट वगैरह, यहाँ पे आप वही पुरानी वाली टेन लाइट वगैरह यूज किया है, अभी कोई चेंजेस इसमें नहीं आया। रियर व्यू यहाँ से आप देख सकते हो। वही पे इसके साइड की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आपको टायर रगड़ मिलने वाला है। वहीं पे जो इसका टायर साइज है 90/17 का टायर साइज मिल जाता है। एलॉय जो है न्यू वाले एलॉय इसमें मिलने वाले हैं। 130mm का यहाँ पे ड्रम ब्रेक रखा गया है। वहीं पे यहाँ पे साइलेंसर मफलर की बात करें ना, तो आपको ब्लैक कलर में मैट फिनिश में साइलेंसर मफलर मिल जाता है। वहीं पे यहाँ पे साइड पैनल पूरा आपको कार्बन फाइबर वाले मिल जाते हैं। स्टिकर वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। वहीं पे यहाँ देखे तो नाइट्रोक्स का सॉकअप मिल जाता है। यहाँ देखे तो टोटल यहाँ पे एल्यूमिनियम वाली बॉडी मिल जाती है। यहाँ पे देखे तो आपको साइड पैनल मैट फिनिश में मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिकर वगैरह मेरे को काफी सही लग रहे हैं। वहीं पे यहाँ इंजन की तरफ देखे ना, तो इसमें किक प्लस सेल्फ दोनों का स्टार्टेबल मिल जाएगा। और ये 125cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूलर वाला इंजन मिल जाता है। F5 फ्यूल इंजेक्शन के साथ आने लगा है। साथ में ये डुअल प्लग के साथ आता था, आप सिंगल प्लग के साथ हो गई है।
यहाँ पे आप इंजन की ऑयल क्वालिटी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप ब्रेक लीवर देख सकते हो, ब्रेक लीवर जो है काफी सही लगता है, सिल्वर कलर में आपको ब्रेक लीवर मिल जाता है। वहीं पे आप लेग गार्ड वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका जो वेट है ना 142 किलोग्राम टोटल इस बाइक का वेट चला जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, 165 mm का नीचे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और वहीं मैं बता दें, ये जो बाइक है ना आपको आराम से जो फ्यूल इंजेक्शन के साथ हो गई है, E20 पेट्रोल का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो इसमें आपको 45 प्लस का एवरेज दे देगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका जो इंजन है ना काफी रिलायबल है, वाइब्रेशन वगैरह भी बहुत कम आते हैं। यहाँ से आप बाइक को साइड से देख सकते हो, काफी अच्छी लगती है और स्प्लिट सीट के साथ है तो और ज्यादा। वहीं पे बता दें, इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है ना 94,600 रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइस चला जाता है। वहीं पे इस बाइक के ऑन रोड प्राइस की बात करें ना, तो ये कार्बन फाइबर वाला यहाँ पे बॉडी मिल जाता है, तो 116,600 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस जाने वाला है। वहीं पे आप बाइक देख सकते हो, इसका जो इंजन गार्ड है, इंजन गार्ड भी आपको काफी सही मिल जाता है। बाकी आप डुअल हॉर्न लगवा सकते हो, सिंगल हॉर्न का सपोर्ट आता है। वहीं पे इस बाइक की आपको कम्प्लीट डिटेल बता दी गई है, आप कमेंट्स करिए और बताइए इसके बारे में और क्या जानना है, आपको कम्प्लीट डिटेल बता दी जाएगी।